गढ़वा दृष्टि न्यूज चैनल के पत्रकार सुनील कुमार रांची रिम्स हॉस्पिटल में पहुंचकर प्रदीप पासवान जो जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहे हैं उनकी स्थिति का लिया जायजा। देखा कि उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है और कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि पैखाने के रास्ते से होते हुए 8 mm का रॉड घुसा है, उस जगह से मवाद आ रहा है जिससे उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जब प्रदीप पासवान के पिता लिखी पासवान से बात हुई, उनका रो रोकर बुरा हाल हो गया और बोले कि किसी भी प्रकार से मेरे बच्चों को बचाया जाए और मेरा एक ही लड़का है और मदद करने वाले कोई भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बिशुनपुरा प्रखंड के सामान्य जनता और जनप्रतिनिधियों पर मुझे भरोसा है, मेरे बच्चे को किसी भी स्थिति में बचा लेंगे। वहीं प्रदीप पासवान की माँ का भी शुरू से ही दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और उनका भी रो रोकर बुरा हाल है। मानो इस परिवार का दुख का पहाड़ टूट गया। इस स्थिति में जब उनके 1 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी तो उन्हीं के पड़ोसी सुनील पासवान के द्वारा 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया ताकि प्रदीप पासवान की जिंदगी बचाई जा सके। इस मौके पर बबलू पासवान, खुशलाल पासवान तथा सुनील पासवान उपस्थित रहे। बिशुनपुरा के सम्मानित जनता आपको सहयोग कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा लड़का ठीक हो जाए, बढ़िया हमारा सब सही। माँ नगीना शाही महिला महाविद्यालय बंसीधर नगर के प्रतिष्ठित संस्थान में सत्र 2022 से 25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। बीए की सभी विषयों में और बीकॉम के सभी ग्रुपों में नामांकन हेतु संपर्क करें। छात्राओं के लिए सुरक्षित परिसर, सुयोग्य शिक्षक, छात्रवृत्ति की सुगमता के साथ शहर का एकमात्र महिला महाविद्यालय।